टू डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय, देखो साइन, एक साइन का फंक्शन है, एक कॉस का फंक्शन है. हम सबको पता है साइन या कॉस एक पीरियोडिक फंक्शन होते हैं और टेन एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता, क्योंकि उसकी वैल्यू कभी रिपीट नहीं करेगी ना. टेन का ग्राफ देखे हो ना, टेन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ऐसे जो कभी इन्फिनिटी को टेंड करता है वो रिपीट नहीं करता है. इसकी शक्ल लग रही है क्या, कभी रिपीट करने वाली? तो ये एक्चुअली हमें साइन और कॉस का ग्राफ दिया हुआ है और ये SHM को रिप्रेजेंट करता है, सिंपल पीरियोडिक फंक्शन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है. अब इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो एक नया मोशन बनेगा. तो क्या वो ऑसिलेशन होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, पीरियोडिक होगा, वो हमें बताना है. तो ये कॉन्सेप्ट आप कैसे सॉल्व करोगे, सुपर पोजिशन ऑफ SHM, दो SHM को मिलाने से क्या बनेगा, वो वाली कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे. अब पहला जो SHM है Y1, वो देखो ए साइन ओमेगा टी, और दूसरा जो है वो है बी कॉस ओमेगा टी. दोनों एक पीरियोडिक फंक्शन है और दोनों अलग अलग सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसका एम्पलीट्यूड ए है, उसका एम्पलीट्यूड बी है. तो इनके मिलाने से क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन बनेगा? अगर इस क्वेश्चन को आप करना चाहते हो तो आपको बेसिक आइडिया पता होगा, तो वो बच्चा एक लाइन में क्वेश्चन कर लेगा जो थोड़ा बहुत पढ़ाया गया है और पढ़ा है. तो जो नया SHM बनेगा वो बनेगा Y1 प्लस Y2, दैट इज ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी. अब एक बच्चा को पढ़ाया गया है कि जो पीरियोडिक फंक्शन है वो सेम फ्रीक्वेंसी है लेके सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो जो नया मोशन बनेगा वो SHM ही होगा. अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी बदल जाती, मान लो ए साइन ओमेगा टी और प्लस बी कॉस 2 ओमेगा टी होता, तो ये जो फंक्शन है आप एक ए भी पीरियोडिक है लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो जो सुपर पोजिशन होगा ये नया जो SHM है ये एक पीरियोडिक मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इट्स नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन. और ये जो है इसमें कितने भी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी जोड़ दो, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगा. जैसे ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी प्लस सी साइन ओमेगा टी, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है और पीरियोडिक भी है. ये बात याद रखना कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो तो पीरियोडिक तो होगा ही होगा, लेकिन हर एक पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है. तो ये जो है वो, ये बात मुझे कैसे पता चल रहा है कि थोड़ा बहुत पढ़े हो. अगर मान लो किसी को कुछ नहीं आता है तो उसके लिए भी मैं दवा देता हूँ, उसके लिए भी मैं इलाज करता हूँ. अब मैं आइडियाज बता रहा हूँ जो कुछ पढ़ा है, तो वो तो फर्स्ट उसको तो पता है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है और फेज डिफरेंस साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी में फेज डिफरेंस पाई बाई टू है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा और एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर, मतलब ए ऑप्शन सही है. ये गलत है. ठीक है, अब एक बच्चा जिसको कुछ नहीं आता है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, वो उसको कुछ नहीं ये समझ में आ रहा, तो वो क्या करेगा, उन दोनों को सुपर इम्पोज करेगा. वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी. ये वो बच्चा जिसको कुछ ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं, पढ़ाया नहीं गया होगा या पढ़ा नहीं होगा. अब इन दोनों को मिलाने, अब ये इक्वेशन SHM है या नहीं है उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा भाई, डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, कोई भी इक्वेशन है, मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, वो SHM होगा या हो नहीं होगा, उसका डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो. अगर डबल डिफरेंशिएट करोगे और डबल डिफरेंशिएशन इस फॉर्मेट में आता है तो वो मैथमेटिकल इक्वेशन SHM को रिप्रेजेंट करेगा, और SHM है तो पीरियोडिक है, हर एक पीरियोडिक SHM नहीं है. तो अब मैं इसको एक दो बार डिफरेंशिएट करूंगा, तो एक बार डिफरेंशिएट करें तो वाई डैश ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस बी ओमेगा और साइन ओमेगा टी. ये एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, डी वाई अपन डी टी हो गया, डबल डिफरेंशिएशन डबल वाई,
इसको ऐसे भी डबल डिफरेंशिएशन को ऐसे भी लिखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन का कॉस का साइन ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आता है ना डिफरेंशिएशन भाई। इसमें से माइनस माइनस मैं कॉमन ले लूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ए साइन ओमेगा टी और प्लस बी कॉस ओमेगा टी ब्रेकेट में बच गया, और ये क्या है, कुछ नहीं है, एक्चुअल फंक्शन है वाई, वाई है ये पूरा वाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डबल डिफरेंशिएशन है ये डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जो सुपर इम्पोजिशन है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगा। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता, या तो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने प्रूव कर दिया। अब जब हमने प्रूव कर दिया इतना, तो अब इसका एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता भैया, जब दो सुपर दो SHM मिलते हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाई, उनके बीच का फेज डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है, पहला वाला था ए साइन ओमेगा टी और दूसरा वाला था क्या था, बी कॉस ओमेगा टी, और बी कॉस ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूँ बी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू साइन ओमेगा टू। तो इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना बोलो, पाई बाई टू। तो पाई बाई टू का फेज डिफरेंस ये जीरो हो गया, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। इट इज़ वेरी लॉन्ग मेथड, और यही इसका एक्चुअल जो है, जिसको नहीं आएगा वैसे स्ट्रगल करेगा, जो स्मार्ट है जो थोड़ा बहुत साइन कॉस में पढ़ाया गया और पढ़ा है सुपर पोजिशन, उसको ये ट्रिक बताया गया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी SHM ही होता है और पीरियोडिक भी होता है, वो डायरेक्ट लगा लेगा। चलो।